बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए 29 जुलाई के दिन दुनिया भर में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में भारत में बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का नतीजा है कि आज भारत में विश्व के अन्य हिस्सों से अधिक बाघ सुरक्षित और संरक्षित हैं। और यही वजह है कि बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में लोग जागरूक रहें, इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत चिड़ियाघरों में बाघों की प्रजाति को भी जगह दिया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी बाघों के बारे में जान समझ सके। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया है, जहां पर उसके लिए विशेष बाड़ा बनाया गया है, जहां बारिश, गर्मी और ठंडी से बचाव किया जा सके। इस अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने बताया कि 2010 में ये निर्णय लिया गया था कि 2022 तक जहां भी बाघ हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और सभी जगहों पर जनता और वन्य जीव प्रेमियों को जागरूक करने का काम किया जाए। इसके साथ बाघों के संरक्षण के लिए उनके कार्यप्रणाली पर नजर रखा गया और इसका नतीजा सामने आया और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ पर्यटन के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोग बाघों को देख सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर के डायरेक्टर एच राजा मोहन ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे बोलते हैं। ये 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था, जो 13 टाइगर रेंजिंग कंट्री से जहाँ बाघ पाया जाता है उसमें ये निर्णय लिया गया था 2022 तक जो बाघ पूरा विश्व में है उसको डबल करने के लिए, दो गुना करने के लिए, और सभी जगह में जनता और जो वन्यजीव प्रेमी हैं इन लोगों का बीच में वो जन जागरूकता करवाना है, उनके सेंसिटिविटी संवेदनशीलता उसका टाइगर को बढ़ाने के लिए ये बना जा रहा है। हमारा गोरखपुर प्राणी उद्यान में हम सुबह जो पर्यटन को ब्रोशर्स और उसका वितरण किया गया है, हमारा जो जू कीपर से उनका एक ट्रेनिंग का चलवाया था, उसमें ट्रेनिंग के लिए कानपुर से पहले डॉक्टर साहब था उनको बुलाया गया था, डॉक्टर आर के सिंह साहब को बुलाया गया था, उनका द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था, और आज हमारा टाइगर दो टाइगर है उसको विशेष खाना खिलवाएंगे, जो मामूली हम लोग भैंस का मीट खिलाता है उसके साथ साथ चिकन भी खिलवाएंगे। इसी दिवस में सबसे अनुरोध कर रहा हूँ मैं वो और बाघ को संरक्षण करना है, और बाघ हो तो जंगल हो, जंगल होगा तो फिर हमारा वो पूरा खाना पीना का वो भी व्यवस्था मिल जाता है। सर, चिड़ियाघर में जानवरों की क्या स्थिति है? चिड़ियाघर में जानवरों का अभी हम लोग 154 लाया था, अभी 176 हो गया, यहाँ जानवर को अच्छी तरह का वो पालन पोषण किया जा रहा है, उसको बढ़ोतरी भी हुआ है, अभी प्रजनन भी हुआ है, 6 प्रजाति का जानवर का प्रजनन हुआ है, इसमें लगभग 16 हमारा नया मेहमान आ चुका है और इसको हम मेंटेन करवा रहे हैं, और नया जानवर भी, और इसके बाद जैसे गेंडा, ज़ेब्रा ले आएंगे।